हाई वैक्यूम। होता क्या है, देखिए जैसे हाई वैक्यूम का मतलब है कि उस एरिया में किसी भी टाइप का कोई भी मतलब एयर पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि जहाँ पे मीडियम होता है वहां पर एयर हमारा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एक हाई वैक्यूम का रीजन, ये सिस्टम या मीडियम क्रिएट करने के लिए क्या किया जाता है, जो चारकोल होता है उसको पहले ठंडा किया जाता है, ठंडा करने के बाद उसको लिक्विफाई किया जाता है, और लिक्विफाई करने के बाद उसको उस वैक्यूम वाले एरिया पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। होगा क्या, उस वैक्यूम एरिया पे ये जो चारकोल होंगे जो कि लिक्विफिएबल हो चुके हैं, ऐसा एयर फॉर्म जैसे अगर वैक्यूम में किसी भी टाइप का कोई अदर मॉइस्चर प्रेजेंट है या फिर कोई रिमेनिंग एयर प्रेजेंट है, तो उस मॉइस्चर या एयर को जो चारकोल होगा अपने सरफेस पर क्या कर लेगा, एड्सॉर्ब कर लेगा, और इस तरीके से वहां पर किसी भी टाइप का कोई एयर या मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होगा, और एक क्या एरिया वहां पर क्रिएट हो जाएगा, हाई वैक्यूम का एरिया वहां पर क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो हाई वैक्यूम का एरिया प्रोड्यूस करने के लिए हम एडसॉर्प्शन प्रोसेस का क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं, क्योंकि जो चारकोल होते हैं वो अपने सर्फेस के अंदर एयर या फिर किसी तरीके के मॉइस्चर को क्या कर सकता है, एड्सॉर्ब कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है इन डिहाइड्रेटिंग एटमोस्फेरिक मॉइस्चर। डिहाइड्रेटिंग का मतलब कहीं पर भी अगर वाटर मॉलिक्यूल है तो उसको क्या करना, वहां से रिमूव करना, ठीक है। तो हम डिहाइड्रेटिंग प्रोसेस एटमोस्फियर का कर रहे हैं, मतलब एटमोस्फियर पे जो वाटर मॉलिक्यूल होगा वो मॉइस्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो किया क्या जाता है, देखिए जो हमारे सिलिका जेल या एल्यूमिना होते हैं ये एक गुड एड्सॉर्बेंट का काम करते हैं, किसके लिए, वाटर वेपर्स के लिए, ठीक है। जैसे किसी एरिया पे वाटर वेपर मतलब कि मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो मॉइस्चर अगर सिलिका जेल या फिर किसी एल्यूमिना जेल के कॉन्टेक्ट में आ जाता है तो वो उसके सर्फेस से चिपक जाता है, और एयर में प्रेजेंट जितने भी मॉइस्चर होंगे मतलब जो वाटर पार्टिकल होंगे या वाटर वेपर्स होंगे वो उसके एड्सॉर्ब एडसॉर्बेंट पे क्या हो जाएंगे, स्टीक हो जाएंगे, और उसके स्टीक होते ही हमारा जो एटमोस्फियर है वो कैसा हो जाएगा, डिहाइड्रेटिंग हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी डिहाइड्रेटिंग जो इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस होते हैं उनमें भी हम सिलिका जेल और एल्यूमिना जेल का क्या करते हैं, यूज करते हैं, ताकि कंटेनर में किसी भी टाइप की ह्यूमिडिटी ना रहे, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है इन सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। वाटर को सॉफ्ट करने के लिए भी हम एडसॉर्प्शन प्रोसेस का यूज करते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर पे हार्ड वाटर भी प्रेजेंट होता है और सॉफ्ट वाटर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। हार्ड वाटर का भी आइडेंटिफिकेशन किसी केमिकल आयन के थ्रू किया जाता है। जो भी हमारे हार्ड वाटर होते हैं उनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब मुझे उसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं उसके अंदर जो हार्ड वाटर मेरे पास है उसके अंदर किसी भी एड्सॉर्बेंट को डालूंगी। एड्सॉर्बेंट क्या करेगा, जो एड्सॉर्बेंट है मतलब वहां पर जो आयंस हैं हार्ड वाटर पे उनको एड्सॉर्ब करने का काम करेगा। तो हार्ड वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए या सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए उसमें एड्सॉर्बेंट के फॉर्म में किसको डाला जाता है, जियोलाइट को डाला जाता है। जियोलाइट को क्या बोला जाता है, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट बोला जाता है, ठीक है। ये सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट अपने सरफेस पर जितने भी कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो कि हार्ड वाटर में प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कर लेता है, एड्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और जो सोडियम आयन कम इन देयर प्लेस, और इसके प्लेस पर मतलब जो वाटर होता है उसके प्लेस पर जो हमारा जियोलाइट पे प्रेजेंट सोडियम है वो वाटर के पास चला जाता है, जिससे हमारा जो हार्ड वाटर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जो सॉफ्ट वाटर होता है उसमें सोडियम के आयन प्रेजेंट होते हैं और जो हार्ड वाटर होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन प्रेजेंट होते हैं। तो जब हार्ड वाटर में जियोलाइट को डाला जाता है तो जियोलाइट का केमिकल नेम क्या है, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है, सोडियम प्रेजेंट है। तो ये सोडियम हार्ड वाटर में रिमूव हो जाएगा और हार्ड वाटर के जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो जियोलाइट के सरफेस पे आके स्टीक हो जाते हैं, और जो हमारा हार्ड वाटर है वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जब हम
एक्सचेंज रेजिन में आयन एक्सचेंज का प्रोसेस करते हैं तब भी हम एक एडसॉर्बेंट का यूज करते हैं जिसको डी आयोनाइजेशन का प्रोसेस भी बोला जाता है। इस पे जनरली कुछ ग्रुप जैसे COOH है, NH2 है, SO3H है, इनके कंटेनिंग कंपाउंड का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, जो कि एक एडसॉर्बेंट को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं एज अ आयन फॉर्म और अपने सर्फेस पर उसको स्टिक करके वाटर को सॉफ्ट करने का काम करते हैं, जो हार्ड वाटर होता है उसको। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, देखिए एक हमने आयन प्रोड्यूसिंग हाई वैक्यूम के बारे में देखा, दूसरा है सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर के बारे में, और तीसरा हमने क्या देखा, डिहाइड्रेटिंग एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के बारे में देखा। इसके बाद डीकलराइजिंग ऑफ सुगर, ठीक है, जैसे हमारे पास कोई सुगर प्रेजेंट है और सुगर में अनडिजायरेबल मतलब हम कुछ कलर्स को उसके अंदर नहीं चाहते और वो कलर्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए भी हम एडसॉर्प्शन प्रोसेस का क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं। ठीक है, जैसे कोई हमारे पास कलरिंग सॉल्यूशन है किसी भी सुगर का, तो उस पर आप क्या डाल दोगे, जो एनिमल चारकोल होता है उसको डाल दोगे। आपने जो जनरली टेलीविजन पे एड दिखाया जाता है उस पर भी देखा होगा कि जैसे ही चारकोल उस पर डाला जाता है तो पानी के अंदर जितना भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है वो उस चारकोल के सरफेस पे क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है और वो वाटर पूरी तरीके से प्यूरीफाई हो जाता है। सेम एज डीकलराइजिंग सुगर पे, सुगर पे अगर किसी टाइप का कलर चला गया है तो उस कलर को रिमूव करने के लिए उसके अंदर हम क्या डाल सकते हैं, जो एनिमल चारकोल होता है उसको डाल दिया जाता है। चारकोल अपने सरफेस पे जितने भी कलर्स होते हैं उसको एड्सॉर्ब कर लेता है और जो भी हमारा सुगर सॉल्यूशन होता है उसको इम्प्योरिटी से प्योर कर देता है। ठीक है, इसके अलावा और किसमें इसका यूज किया जाता है, तो बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस में भी हम इसका यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि सबसे पहले आप एक सरफेस बनाओगे और उस सरफेस के थ्रू आप जितने भी आपके कंपोनेंट में डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी चीजें प्रेजेंट है उसको क्या करोगे, सेपरेट करोगे, तो उस सरफेस में ही वो डिफरेंट कलर क्या होते जाएंगे, सेपरेट होते जाएंगे। जैसे सपोज मान लो आप क्रोमेटोग्राफी पेपर के थ्रू टेस्ट करते हो, तो क्रोमेटोग्राफी पेपर को एक सॉल्वेंट में डिप किया जाता है, वो सॉल्वेंट आपका कीटोन का हो सकता है। ठीक है, मान लो आपने उसको कीटोन के सॉल्वेंट पे डिप किया है और सेंटर पे आप इंक का एक पॉइंट लगा देते हो, तो आप देखोगे कि कुछ टाइम के बाद जो इंक है उस सर्फेस पे क्या होता जाता है, फैलता जाता है है और इंक में प्रेजेंट जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं वो आपको दिखाई देते हैं। हल्का सा आपको डार्क ब्लू कलर दिखेगा, देन लाइट ब्लू कलर दिखता है, उसके बाद आपका लाइट पिंक कलर आता है, मतलब जो कंपोनेंट उस इंक में प्रेजेंट थे सारे के सारे क्या कर जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, जिसको क्रोमेटोग्राफी टेस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी एक एडसॉर्प्शन का प्रोसेस है जहां पर क्रोमेटोग्राफी पेपर एक एडसॉर्बेंट का काम कर रहा है और जो इंक है वो एडसॉर्बेट का काम कर रहा है, जो कि उस पे प्रेजेंट तो इंक में प्रेजेंट कंपोनेंट को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ एप्लीकेशंस थे, ऐसे बहुत से एप्लीकेशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे क्यूरिन डिसीज के लिए भी हम यूज करते हैं किस फॉर्म पे, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में किस फॉर्म पे यूज करते हैं, और क्लोथ्स के डाई जो होते हैं उनमें कैसे इनका यूज किया जाता है, मॉडरेंट के फॉर्म पे कैटालिसिस के लिए कैसे यूज किया जाता है, ये भी बताया गया है। तो आप चाहें तो कोई भी 3 या फिर 5 जो पॉइंट्स हैं उसको एप्लीकेबल की करिएगा एडसॉर्प्शन के एप्लीकेशन के लिए, नथिंग इंपॉर्टेंट बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे बताया जा रहा है कैटालिसिस के बारे में। ये टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि कुछ एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा गया है, आपको इसका डिफाइन पूछा जा सकता है या फिर आपको इसको जो इसके क्लासिफिकेशन या टाइप्स होते हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है, जो कैटलिस्ट होता है वो, तो उस कैटलिस्ट के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर कैटलिस्ट होता क्या है। तो देखिए, ये हमारा कैटालिसिस है। एक साइंटिस्ट हुए थे ओस्टवाल्ड, जिन्होंने 1855 पे ये बताया कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि चेंज ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। वो खुद तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, मतलब वो खुद कैसे रहते हैं, अनचेंज्ड रहते हैं, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन में चेंजेस क्रिएट कर देते हैं, मतलब या तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं या रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करते और उनका जो कंसंट्रेशन है वो भी चेंज नहीं होता, लेकिन ये रेट ऑफ रिएक्शन में किसी भी तरीके के चेंजेस को क्रिएट कर देते हैं, तो उनको कैटलिस्ट बोला जाता है। ठीक है,
और किसी भी रिएक्शन में जब ये प्रोसेस होती है तो उसको कैटालिसिस का प्रोसेस बोला जाता है। एज अ एग्जांपल इसमें बताया गया है, देखिए जब हम पोटेशियम क्लोराइड को क्या करते हैं, हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अ टेम्परेचर का रेंज बताया गया है 653 टू 873 जो केल्विन हमारा टेम्परेचर होता है, MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो काफी क्विकली जो ऑक्सीजन गैस है वो रिलीज होती है और साथ में हमारा पोटेशियम क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये जो MnO2 प्रेजेंट है, आपको जो दिख रहा है MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड है, और इसी की वजह से ये पोटेशियम क्लोरेट यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड के फॉर्म पे डिसोसिएट हो रहा है और काफी ज्यादा अमाउंट में क्विकली क्या निकल रही है, ऑक्सीजन गैस निकल रही है। अगर आप इस मैंगनीज डाइऑक्साइड को MnO2 को यहाँ से क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे और सिंपली इसका रिएक्शन कराओगे तो इस रिएक्शन को होने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा और हो सकता है कि ये रिएक्शन टूटे भी ना, जो KClO3 है या पोटेशियम क्लोरेट है वो डिसोसिएट भी ना हो। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को इसने बढ़ा दिया और अगर बन भी गया तो उस रिएक्शन को होने में काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम कैटालिस्ट करते हैं जो कि जनरली एरो के ऊपर ही प्रेजेंट होंगे, जिसको हम एज अ कैटालिस्ट क्या करते हैं, शो करते हैं। इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल इसमें बताया गया है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है वो नॉर्मल स्टेट में वाटर और ऑक्सीजन को क्या करता है, गिव करता है, बट जैसे ही फॉस्फोरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट फॉर्म यहाँ पे प्रेजेंट होता है तो जो डिसोसिएशन प्रोसेस होता है वो कैसा हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। मतलब यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कैटलिस्ट प्रेजेंट है तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा ही, तो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा भी सकता है। उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि जब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड को नॉर्मली अगर रिएक्ट कराते हैं तो वो किस में डिसोसिएट हो जाता है, वाटर और ऑक्सीजन में डिसोसिएट हो जाता है, लेकिन जब हम फॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराते हैं तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ऐसे कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, उनको क्या बोला जाता है, नेगेटिव कैटलिस्ट बोला जाता है। यहाँ पर कैटलिस्ट के कुछ कैरेक्टर्स बताए गए हैं, उसमें जनरली कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तीन ही कैरेक्टर इसका पढ़ना, क्योंकि कैरेक्टर आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट कैरेक्टर बताया गया है, इसमें ये बोला गया है कि कैटलिस्ट जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसका केमिकल कंपोजिशन कैसा रहता है, अनचेंज होता है, उसके मास में भी कोई चेंजेस हमको देखने को नहीं मिलता और फिजिकली भी उसमें कोई भी चेंजेस हमको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर इसमें ये बताया गया है, देखिए जो कैटलिस्ट की कैटलिटिक एक्टिविटी होती है अगर वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रही है तो ऐसा जो कैटलिस्ट होगा उसको क्या बोला जाता है, कैटालिटिक प्रमोटर बोला जाता है। ठीक है, और 10th पॉइंट में देखिए, एक तो कैटालिटिक प्रमोटर के बारे में बताया गया है और दूसरा ये बताया गया है कि वो ऐसा कोई भी कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दे, डिक्रीज कर दे, मतलब जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन रेजिस्ट हो जाता है उसको कैटालिटिक पॉइजन बोला जाता है। ठीक है, जो कैटलिस्टिक केमिकल रिएक्शन को क्या करे, बढ़ा दे, उसके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे तो उसको कैटालिटिक प्रमोटर बोला जाएगा, और जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दे, घटा दे या पूरी तरीके से कम कर दे तो उसको क्या बोला जाएगा, कैटालिटिक पॉइजन। पॉइजन आप सभी जानते हैं एक तरीके का क्या हो जाएगा हमारे लिए, जहर, जो कि क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देगा। तो ये तीन पॉइंट आप याद रखिएगा कि वो खुद कैसा रहता है, अनचेंज्ड होता है, और अगर वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाए तो कैटालिटिक प्रमोटर का काम करता है, और रेट ऑफ रिएक्शन को घटाए तो उसको कैटालिटिक पॉइजन के फॉर्म पे क्या किया जाता है, शो किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे, एज अ एग्जाम्पल आप कोई भी केमिकल रिएक्शन इस पे दे सकते हो। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे बताया जा रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ कैटालिसिस। ठीक है, जो कैटालिसिस का प्रोसेस होता है इसमें कैटालिस्ट को टू टाइप में क्लासिफाई किया गया है, एक आपका होता है पॉजिटिव कैटालिस्ट और एक आपका होता है नेगेटिव कैटालिस्ट। आगे आप स्टडी करेंगे तो और भी कैटालिस्ट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एक आपका ऑटो कैटालिस्ट होता है और एक इंड्यूस्ड कैटालिस्ट होता है। तो सारे कैटालिस्ट का जो डेफिनेशंस होता है उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करते हैं, फोर टाइप्स के बताए गए हैं, सॉरी मैंने टू टाइप्स आपको बताया था। ऐसा कैटलिस्ट जो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, उसको पॉजिटिव कैटलिस्ट बोला जाता है, और ये जो प्रोसेस किसी केमिकल रिएक्शन में होता है तो उसको पॉजिटिव कैटलिसिस का प्रोसेस बोला जाता है। एज अ एग्जाम्पल इसमें हैबर प्रोसेस बताया गया है,
हैबर प्रोसेस क्या होता है? हैबर प्रोसेस जिसमें नाइट्रोजन गैस अमोनिया के साथ रिएक्ट करती है इन प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड मोलिब्डेनम, दे मेड अप ऑफ अमोनिया गैस। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन और जो हाइड्रोजन एज अ रिएक्टेंट वर्क कर रहे हैं, उनके रिएक्टिविटी नेचर को इंक्रीज करने का काम किसका होता है? कैटलिस्ट का होता है, जिसकी वजह से हमारा जो केमिकल रिएक्शन है वो जल्दी हो जाता है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को क्या बोला जाता है, या ऐसे कैटलिस्ट जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहे हैं उनको पॉजिटिव कैटलिस्ट के फॉर्म पे इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया हुआ है नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट अभी मैंने आपको बताया कि ऐसा कैटलिस्ट जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दे, डिक्रीज कर दे। मतलब केमिकल रिएक्शन जो कि एक पर्टिकुलर रेट पे चल रहा था, लेकिन उसके आने की वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो पूरी तरीके से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, पूरी तरीके से कम हो गया। तो ऐसे कैटलिस्ट को क्या बोला जाएगा, नेगेटिव कैटलिस्ट बोला जाएगा। और जो नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं उनको रिटार्डर्स भी बोला जाता है। ऐसा एग्जाम्पल बताया गया है कि जब हम जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है उसको सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में डिकम्पोज करते हैं तो वाटर और ऑक्सीजन तो देता है बट उसका रेट काफी स्लोली हो जाता है। ठीक है, इसके बाद ऑटो कैटलिस्ट, जैसे आप कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ रहा है, लेकिन उस रिएक्शन में प्रेजेंट जो प्रोडक्ट है, मतलब रिएक्टेंट तो रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। एज अ एग्जांपल इसमें एस्टरीफिकेशन का प्रोसेस बताया गया है। एस्टर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, CH3COOC2H5 होता है। जब इसका आप किसके साथ रिएक्शन कराओगे, वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे, तो ये किस में डिसोसिएट हो जाएगा, एच प्लस, और ये ओ एच माइनस बना लेगा, तो और ये नेगेटिव और ये प्लस में आ जाएगा, तो बनेगा क्या हमारे पास, एक एसिटिक एसिड प्रोडक्ट बनेगा CH3COOH, और क्या बन जाएगा आपके पास, C2H5OH। ठीक है, तो जो भी प्रोडक्ट बना उसमें से एक प्रोडक्ट आपके लिए क्या करता है, वो प्रोडक्ट ही किसका काम कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है। ठीक है, मतलब ये इतना ज्यादा एक्टिव है कि जैसे ही इसका आयोनाइजेशन का प्रोसेस होगा ये रिएक्ट कर लेगा, और अगर इसने रिएक्ट कर लिया तो ऑब्वियसली सी बात है ये भी रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, मतलब ये इसके कंपैरिजन में इससे ज्यादा स्टेबल कंडीशन में है, तो इसको छोड़ के इसके साथ जल्दी रिएक्शन करना चाहेगा, जिसकी वजह से प्रोडक्ट काफी जल्दी फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को जिसमें जो रिएक्टेंट होते हैं वो अपने साथ में प्रेजेंट रिएक्टेंट को छोड़कर किसी और के साथ बॉन्डिंग बनाकर एक नया प्रोडक्ट काफी जल्दी बना लेते हैं, तो उसको ऑटो कैटालिसिस का प्रोसेस बोला जाता है, और जो प्रोडक्ट बन के आता है उसको ऑटो कैटालिस्ट बोला जाता है। ठीक है, इसका अदर एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट अगर सल्फ्यूरिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये मैग्नीज सल्फेट में आसानी से कन्वर्ट कर हो जाता है, और साथ में क्या बना लेता है, पोटेशियम सल्फेट बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट जो पोटेशियम सल्फेट है वो एक ऑटो कैटलिस्ट का क्या करेगा, वर्क करेगा, और मैग्नीशियम सल्फेट है वो भी एक ऑटो कैटलिस्ट का वर्क करेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे बताया गया है इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। ठीक, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट क्या होता है, देखिए जैसे When one reaction catalyses another reaction, the phenomenon is called, एक आपके पास रिएक्शन हो रही है, ठीक है, कैटालिसिस की एक रिएक्शन हो रही है जिसमें होता क्या है, जैसे सोडियम बाइसल्फाइड है, ठीक है, एक केमिकल है Na2SO3, उसका फॉर्मूला होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम उसका रिएक्शन कराते हैं तो वो क्या बना लेता है, सोडियम सल्फेट बना लेता है। मतलब यहाँ पर जो भी कंडीशन मीडियम में जनरेट हुआ है उस मीडियम में जनरेट कंडीशन की वजह से ही वो क्या कर रहा है, आसानी से अदर रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो वो जो रिएक्टेंट है खुद एक किसका वर्क कर रहा है, कैटलिस्ट का वर्क कर रहा है, क्योंकि उस एटमॉस्फेरिक कंडीशन में वो अपने आप को कंफर्ट फील करके उसका रिएक्टिविटी नेचर बढ़ा के अदर रिएक्टेंट के साथ काफी आसानी से क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। तो ऐसे रिएक्टेंट को क्या बोला जाएगा, वो जो केमिकल रिएक्शन शो कर रहा है दैट इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड कैटालिसिस प्रोसेस बोला जाएगा। जैसे यहाँ पर सोडियम सल्फाइड, जैसे एज अ एग्जांपल अगर हम कोई केमिकल ले इंड्यूस्ड कैटालिस्ट के बारे में अगर डिस्कस करें और यहाँ पर कोई एग्जांपल ले, तो देखिए सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, Na2SO3 होता है। जब हम इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अ एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर तो ये क्या बना लेता है, Na2SO4 बना लेता है। तो ये देखो
ये सोडियम सल्फाइड था, इसने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या बना लिया, सोडियम सल्फेट बना लिया। मतलब ये इस फॉर्म पे उतना ज्यादा स्टेबल नहीं था जितना ज्यादा ये इस फॉर्म पे स्टेबल है। तो ज्यादा स्टेबल नहीं होने की वजह से वो क्या कर रहा है, खुद एक्टिव हो जा रहा है, और खुद एक्टिव होके जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एटमोस्फियर में प्रेजेंट है उसके साथ वो क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है और सोडियम सल्फाइड से सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ऐसे रिएक्टेंट जो एटमोस्फेरिक कंडीशन के बेसिस पे अपने आप को और ज्यादा स्टेबल करने के लिए एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर लेते हैं, मतलब वो खुद रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे कैटालिसिस के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इंड्यूस्ड कैटालिसिस का प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद कैटालिटिक एक्टिवेटर या प्रमोटर, अभी मैंने बताया कैटालिटिक एक्टिवेटर या प्रमोटर क्या होता है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दे, बढ़ा दे, उसको हम कैटालिटिक प्रमोटर के फॉर्म पे इंडिकेट करते हैं। जैसे हैबर प्रोसेस मैंने बताया जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके अमोनिया गैस बना लेते हैं, जिसमें आयरन जो है वो आपका कैटलिस्ट का काम करता है और मॉलिब्डेनम एक प्रमोटर का काम करता है, ठीक है। तो अगर आपको कैटालिटिक एक्टिवेटर या प्रमोटर के बारे में पूछा जाता है तो आप हैबर प्रोसेस का एग्जांपल देंगे, और हैबर प्रोसेस का एग्जांपल देने के बाद आप बताएंगे कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, प्रमोट करता है, ठीक है, या रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने का काम करता है, उसको कैटालिटिक एक्टिवेटर या प्रमोटर बोला जाता है। नेक्स्ट आपका आता है कैटालिटिक पॉइजन। कैटालिटिक पॉइजन क्या करता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को पूरी तरीके से क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, मतलब इसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो हम उसको कैटालिटिक पॉइजन के फॉर्म पे इंडिकेट करेंगे। एज अ एग्जांपल, जब सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में लाया जाता है तो यहाँ पर प्लैटिनम जो एस्बेस्टिस होता है वो एक कैटलिस्ट का वर्क करता है, ठीक है, मतलब ये रिएक्शन के रेट को बढ़ा सकता था। लेकिन इस पे एक और केमिकल आ जाता है जिसको आर्सेनिक सल्फाइड बोला जाता है, जो कि केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। तो एक केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा रहा है और दूसरा केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो जो केमिकल रिएक्शन के रेट को डिक्रीज कर रहा है उसको पॉइजन बोला जाएगा, मतलब कैटालिटिक पॉइजन होगा वो, और जो केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर रहा है उसको कैटालिटिक एक्टिवेटर या प्रमोटर बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ कैटलिस्ट थे। कैटलिस्ट क्या करते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उन टाइप में, टाइप तो नॉर्मली आप लिख लोगे इसको, इसके जो एग्जांपल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, और साथ में कैटालिटिक एक्टिवेटर या प्रमोटर किसको बोला जाता है और कैटालिटिक पॉइजन किसको बोला जाता है, एक एक एग्जांपल के साथ आप इसको अपनी मेमोरी पे रखोगे। इसके बाद कैटालिसिस की थ्योरी से रिलेटेड कुछ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट बताए गए हैं, जिसमें इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी और मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी दी गई है, इसके बारे में आप लोग पढ़िएगा। मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी भी आप पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे दिया गया है होमोजिनस और हेटरोजिनस कैटलिस्ट, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे पता किया जाता है। मतलब जैसे किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो फिजिकल स्टेट है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अगर सेम है, जैसे सपोज एज अ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि होमोजिनस कैटालिसिस का प्रोसेस किसको बोला जाएगा, होमोजिनस जो कैटालिसिस का प्रोसेस है वो किसको बोला जाएगा। तो मान लो मेरे पास ये सल्फर डाइऑक्साइड है जो कि रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो ये भी एक गैसियस स्टेट है और ये भी एक गैसियस स्टेट है, और ये दोनों रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अ नाइट्रस ऑक्साइड, और ये क्या बना देता है, 2SO2 बना देता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारे लिए गैस हो जाएगा। तो ये तो पूरे के पूरे रिएक्टेंट है और ये मेरा प्रोडक्ट है। तो जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का फिजिकल स्टेट सेम होता है, ठीक है, और साथ में जो कैटलिस्ट प्रेजेंट है उसका भी फिजिकल स्टेट सेम हो, तो ऐसे कैटालिसिस के प्रोसेस को होमोजिनस कैटालिसिस बोला जाता है और ऐसे कैटलिस्ट को होमोजिनस कैटलिस्ट बोला जाएगा, ठीक है। और इसका एग्जांपल आप ये ले सकते हो या फिर एस्ट्रिफिकेशन प्रोसेस में भी ले सकते हो। एस्ट्रिफिकेशन प्रोसेस में भी जितनी चीजें बनती है सारी की सारी क्या होती हैं, लिक्विड होती हैं। लिक्विड होती हैं कैसे, देखो एस्टर बनता है एस्ट्रिफिकेशन प्रोसेस में,
तो देखिए इसमें होता क्या है, हमारा फॉर्मूला होता है सी एस थ्री सी डबल ओ सी टू एच फाइव, ठीक है। ये कौन से स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में। ये रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ, ये भी होता है लिक्विड स्टेट में। और इन प्रेजेंस ऑफ अ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के प्रेजेंस में, ये भी लिक्विड स्टेट में होता है। ये क्या बना लेता है, सी एस थ्री सी डबल ओ एच बना लेता है, ये भी लिक्विड स्टेट में होता है, और साथ में बना लेता है सी टू एच फाइव ओ एच, ठीक है। तो ये भी लिक्विड स्टेट में ही प्रेजेंट होता है। तो ऐसे कोई केमिकल रिएक्शन अगर हमको दिख रहे हैं तो उसमें प्रेजेंट ये जो कैटलिस्ट है उसको होमोजेनस कैटलिस्ट बोला जाएगा, और इस टाइप के प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, होमोजेनस कैटालिसिस का प्रोसेस बोला जाएगा। और इसके जस्ट अपोजिट अगर मैं बात करूं कि हेट्रोजेनस कैटालिसिस किसको बोला जाएगा, तो हेट्रोजेनस कैटालिसिस क्या होगा, हेट्रोजीनस कैटालिसिस में जो मीडियम है वो सेम की जगह कैसा हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। मतलब जो कैटलिस्ट होता है उसका मीडियम चेंज हो जाएगा। जैसे N2 और 3, मैंने हैबर प्रोसेस के बारे में बताया, जिसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, अमोनिया गैस बनाता है, और इसमें आयरन एज अ कैटलिस्ट प्रेजेंट होता है। तो ये आयरन यहाँ पे कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, जबकि नाइट्रोजन गैसियस में है, हाइड्रोजन गैसियस में है और अमोनिया गैसियस में है। तो कैटलिस्ट का जो फिजिकल स्टेट है वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो ऐसे कैटालिसिस के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस बोला जाता है। इस तरीके का कोई अनदर केमिकल रिएक्शन भी आप देख सकते हो। जैसे सपोज अभी मैंने जो सल्फर डाइऑक्साइड का एग्जांपल बताया, जिसमें 2SO2 रिएक्ट करता है O2 के साथ, NO के प्रेजेंस में रिएक्ट करे तो वो होमोजेनस कैटालिसिस का प्रोसेस होता है। लेकिन प्लैटिनम जो कि हमारा एक मेटल होता है, ये सॉलिड स्टेट में होता है, अगर इसके प्रेजेंस में अगर ये रिएक्ट करके 2SO3 बना देता है, तो ये हो जाएगा क्या, ये हेट्रोजीनस कैटालिसिस का प्रोसेस हो जाएगा। और इस कैटालिस्ट को क्या बोला जाएगा, हेट्रोजीनस कैटालिस्ट के फॉर्म पे शो किया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस होते हैं हेट्रोजीनस और होमोजेनस कैटालिस्ट में। आपको केमिकल रिएक्शन गिव करके उसके बारे में पूछा जाएगा, या फिर ये पूछा जाएगा कि आप डिफाइन कैसे करोगे होमोजेनस और हेट्रोजीनस कैटालिसिस को, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के साथ आप उनको क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, ठीक, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस ऑफ हेट्रोजीनस कैटालिसिस, मतलब कौन कौन सी चीजों को बनाने के लिए हेट्रोजीनस कैटालिसिस का यूज किया जाता है। तो अमोनिया बनाने के लिए हैबर प्रोसेस में यूज करते हैं, वेजिटेबल घी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक डिफरेंट टाइप ऑफ कैटलिस्ट का यूज करते हैं जो कि एक हेट्रोजीनस कैटलिस्ट होता है। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मीडियम से जो कैटलिस्ट का मीडियम होता है वो कैसा होता है, डिफरेंट होता है, तो उसको हम हेट्रोजीनस कैटलिसिस के फॉर्म पे लाएंगे। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस जहाँ पे किया जाता है वो भी हेट्रोजीनस कैटालिसिस का एक एग्जाम्पल होता है। नाइट्रिक एसिड का जो फॉर्मेशन किया जाता है वो भी एक हेट्रोजीनस कैटालिसिस का ही प्रोसेस होता है। इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं, कोई भी तीन या चार जो आपके प्रोसेस हैं विद केमिकल रिएक्शन, वही वही रिएक्शन है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, हैबर प्रोसेस याद रखिएगा, और वेजिटेबल घी मतलब हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस याद रखिएगा, और मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये तीनों के तीनों किस में आएंगे, हेट्रोजीनस कैटालिसिस के प्रोसेस में आएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी यहाँ पे बताई गई है, एक्टिविटी और सेलेक्टिविटी यहाँ पे बताई गई है। तो जो यहाँ पे एक्टिविटी और सेलेक्टिविटी दी गई है उसके बारे में हम कल की क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू मैम।